डियर स्टूडेंट्स, आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अर्थात प्रोग्रेसिव टेंस पहचान देखिए। सबसे पहले कि वाक्य के हिंदी वाक्यों के अंत में रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ, या हुआ है, हुए है, हुई है आदि आता है। पहचान में ही मैं बता दूँ कि आपको लगता है कि सिर्फ वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ आदि आता है तो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। लेकिन एक सेंटेंस में आपको बोलूँ, मैं कुर्सी पर बैठा हूँ, या ये बोलूँ कि मेरा मित्र सोया है, मेरा मित्र सोया है, ध्यान रखिएगा सेंटेंस को, मेरा मित्र सोया है, माई फ्रेंड इज स्लीपिंग, या आप ये बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट का, माई फ्रेंड हैज स्लेप्ट। कुछ क्लियर हो रहा है? यानी मेरा मित्र सोया हुआ है, सोया हुआ मतलब कंटिन्यूअस सोया हुआ है, लेकिन लग रहा है कि यह प्रेजेंट परफेक्ट है, कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है, वह कंटिन्यूअस हो रहा है, और इसलिए इसका जो ट्रांसलेशन होगा वह होगा माय फ्रेंड इज स्लीपिंग। क्लियर है? आगे एग्जांपल और आपको बताएंगे। आइए अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। सबसे पहले फॉर्मेट इसका है सब्जेक्ट के बाद इज एम आर, मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी ऑब्जेक्ट, और साथ ही साथ आपको बता दें सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ आर, और आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होता है इस टेंस में। क्लियर है? एग्जाम्पल देखिए, बच्चे तालाब में तैर रहे हैं, द चिल्ड्रेन आर स्विमिंग इन द पॉन्ड, या पूल भी लिख सकते हैं, द चिल्ड्रेन आर स्विमिंग इन द पॉन्ड। क्लियर है? नेक्स्ट है, मैं मंदिर जा रहा हूँ, या मैं मंदिर को जा रहा हूँ, तब भी वाक्य होगा सही, यानी आई एम गोइंग टू द टेम्पल, आई एम गोइंग टू द टेम्पल, चपरासी दरवाजे पर खड़ा हुआ है, देखिएगा चपरासी दरवाजे पर खड़ा हो रहा है, ऐसा नहीं है खड़ा हुआ है, हुआ है मतलब कंटिन्यूअस खड़ा हुआ है, तब देखिए वहाँ पर होगा द प्यून इज स्टैंडिंग ऑन द गेट, द प्यून इज स्टैंडिंग ऑन द गेट। क्लियर है ना? नेक्स्ट अगला सेंटेंस है अपना निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट देखिए, सब्जेक्ट इज एम आर नॉट, मुख्य क्रिया में आई एन जी ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, माली पौधों को नहीं सींच रहा है, तो हो जाएगा द गार्डनर इज नॉट वाटरिंग द प्लांट्स, तुम एक सुंदर गीत नहीं गा रहे हो, यू आर नॉट सिंगिंग अ गुड सॉन्ग, तार पर कपड़े लटके हुए नहीं हैं या लटक नहीं रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, यह सेंस दे रहा है, तो हो जाएगा द क्लॉथ्स आर नॉट हैंगिंग ऑन द वायर, ऑन द वायर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको बता है दो प्रकार का होता है, एक होता है कि यदि क्या से शुरू हो तब, या और दूसरा होता है यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तब। सबसे पहले यदि वाक्य क्या से शुरू हो तब उसका फॉर्मेट क्या होगा, सबसे पहले सहायक क्रिया यानी इज एम आर को सबसे पहले रखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क तो कभी नहीं बोलेंगे। क्लियर है ना? नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, क्या प्रधानाचार्य अपने कार्यालय में बैठी हैं, होगा इसका इज द प्रिंसिपल सिटिंग इन हर ऑफिस, क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? नेक्स्ट है, एक बात और बता दें, यहाँ पर ये बताना जरूरी है कि क्या से शुरू होने वाले वाक्य निगेटिव में भी बन जाएंगे, तो अगर बनते हैं तो आप सब्जेक्ट के बाद जहाँ मैंने एरो बनाया है रेड कलर से, वहाँ पर आप नॉट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, क्या यात्री कृषक एक्सप्रेस की प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्या बना है, आर द ट्रेवलर्स या पैसेंजर्स वेटिंग कृषक एक्सप्रेस, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखिए, अब कह रहा है कि यदि प्रश्नवाचक वाक्य
सॉरी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए। तो सबसे पहले फॉर्मेट देखिएगा, सबसे पहले डब्ल्यू एच खानदान के शब्द यूज होंगे, उसके बाद सहायक क्रिया इज एम आर, फिर सब्जेक्ट, अगर वाक्य निगेटिव होता है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर मुख्य क्रिया में आई एन जी, ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखिए, तुम अब कौन सा उपन्यास पढ़ रहे हो, तुम अब कौन सा उपन्यास पढ़ रहे हो, तो हो जाएगा विच नॉवेल आर यू रीडिंग आर स्टडिंग नाउ, विच नॉवेल आर यू स्टडिंग नाउ। क्लियर है ना। पल्लवी अब क्यों नहीं नाच रही है, क्यों नहीं, देखिएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों। तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी व्हाई, इज पल्लवी नॉट डांसिंग नाउ, डांसिंग नाउ, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आया हो गया होगा। मिलते हैं नए टेंस को लेकर के। ओके, थैंक यू।